दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ जिसका नाम है मेंढक राजकुमार। पापा शुरू करो। हाँ, शुरू करो। राजा की बहुत सुंदर बेटी हर रोज अपने ही क्या पापा प्रिय प्रिय सुनहरी गेंद के साथ महल के बाग में खेलती थी। ऐसा करना उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सूरज की किरणों पड़ने से सुनहरी गेंद और भी चमचमा चमचमा उठती थी। एक दिन जब वह सुनहरी गेंद से खेल रही थी तो वह उछली और बाग के पास बने एक गहरे नाले में जा गिरी। यह देखकर राजकुमारी नाले में गिरी गेंद के पास नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, तुम रो क्यों रो रही हो क्यों रो रही हो, किसी ने उस राजकुमारी से पूछा। उसने अपने आसपास देखा लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह यह देखकर और भी डर गई, क्योंकि वह यह नहीं समझ पा रही थी कि आवाज़ किसकी है। उसने देखा कि उसके पास एक मोटा हरे रंग का मेंढक बैठा हुआ है। गंदा मेंढक, उसने सोचा। फिर यह वह बोली, मेरी गेंद खो गई, मेरी गेंद खो गई, यह नाले में गिरी है और मैं उसे खोजने आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए उससे खोज दूंगा, पर बदले में तुम मुझे क्या दोगी? ओ हीरे जवाहरात रेशमी कपड़े, जो भी तुम कहो, राजकुमारी ने आश्वासन दिया। मुझे यह सब नहीं चाहिए, मेंढक ने कहा, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझसे प्यार करोगी, मुझे अपने साथ रखोगी, जो खाओगी वह मुझे खिलाओगी और अपने साथ बिस्तर में सुलाओगी। राजकुमारी को मेंढक की ये शर्त पसंद नहीं आई, पर अपनी गेंद वापस लेने के लिए उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। मेंढक खुश हुआ और छलांग लगा कर नाले में चला गया तथा कुछ ही देर बाद वह सुनहरी गेंद के साथ वापस आ गया। राजकुमारी ने गेंद ली और मेंढक को धन्यवाद कहकर अपने महल की ओर चल पड़ी। उस रात जब वह अपने पिता के साथ बैठकर खाना खा रही थी तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, टड़क ठीक है टर। फिर दरवाजे पर खटखट खटखट की आवाज़ आई और किसी ने कहा, राजकुमारी मुझे अंदर आने दो। राजकुमारी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ तो वही मेंढक खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और वापस आ गई, लेकिन उसके पिता ने देखा कि उनकी बेटी बहुत देरी हुई और परेशान है। उन्होंने उससे प्यार से पूछा कि उसके डर का क्या कारण है। पिता जी, एक मेंढक नाले में मेरे लिए सुनहरी गेंद निकाल कर लाया और मैंने
उससे वादा किया कि मैं उसे अपने साथ रहने की इजाजत, ठीक है, इजाजत दूंगी। वह मेरे साथ ही खाएगा और सोएगा। इतना कहा कर राजकुमारी रोने लगी। वह किसी भी हाल में मेंढक से क्या वादा निभाना नहीं चाहती थी। राजा बहुत ही न्यायप्रिय था। उसने राजकुमारी से कहा, अगर तुमने वादा किया है तो तुम्हें उसे हर हाल में निभाना चाहिए। यह सुनकर राजकुमारी ने दरवाजा खोला और बेमन से मेंढक को महल में आने दिया। मेंढक उछलते हुए उसके पीछे आया और मेज पर बैठ गया। मेंढक ने सारे व्यंजन देखे और फिर राजकुमारी की थाली में उसके साथ ही खाने लगा। राजकुमारी इसे देखकर चिढ़ रही थी पर कर कुछ नहीं सकती थी। अंत में जब खाना खा लिया तो वह उछल कर राजकुमारी की गोद में आ गई और बोला, प्यारी राजकुमारी, सोने का वक्त हो गया है, चलो सोने चले। इसके बाद वह उसके कमरे में बिस्तर पर पूरा और रेशमी चादर में घुस गया। राजकुमारी उस गंदे मेंढक को अपने से दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मेंढक में मजे से सो गया और राजकुमारी को भी रोते रोते नींद आ गई। मेंढक रोज राजकुमारी के साथ खाना खाता और उसके बिस्तर में ही घुस कर सो जाता। 3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। चौथे दिन सुबह उठ कर राजकुमारी ने देखा कि मेंढक जा चुका था, लेकिन खिड़की के पास ही प्यारी ही मुस्कान और दयालुता से भरी आँखों वाला एक राजकुमार खड़ा था। वह राजकुमार उसके पास आया और बोला, राजकुमारी आपकी मेहरबानी आपने वह शाप तोड़ दिया जिसने मुझे एक राजकुमार से मेंढक बना दिया था। उसने कहा कि यह शाप तभी टूट सकता था जब कोई लड़की उसके साथ खाना खाती और उस जैसे गंदे मेंढक को अपने बिस्तर में सोने के इजाजत देती। राजकुमारी को अपनी आंखों पर निश्वास नहीं हो रहा था। इतना सुंदर राजकुमार तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह मन ही मन उस पर मोहित हो गई। वह राजकुमार घुटनों के बल झुका और बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरी पत्नी बन कर मेरे राज्य में चलोगी? राजकुमार से प्रेम हो गया था, इसलिए उसने उससे समय शादी के लिए हामा भर दी। राजा भी अपने बेटी के लिए वर के रूप में एक योग्य और सुंदर राजकुमार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ।
उस तरह राजकुमारी और राजकुमार की शादी हो गई और वह उसे अपने राज्य में ले गया। हाँ तो दोस्तों ये थी आज की आरव की कहानी। क्या नाम है इसका? मेंढक राजकुमार। तो अगले हफ्ते अगले एपिसोड में सॉरी नोट अगले हफ्ते अगले एपिसोड में हम आपको नई कहानी सुनाएंगे, ठीक है दोस्तों? उसका नाम है बोनी और मोची। हाँ चलिए दोस्तों, तो तब तक के लिए इस वीडियो बाय बाय, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और ये कहानी अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। हाँ चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।